हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेडिकल अबॉर्शन के बाद कैसे पता करें कि आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है? इन लक्षणों से आप समझ पाएंगे कि आपको इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी में डेवलप हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण यहाँ पे होता है आपको फीवर आ रहा है। फीवर आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। दूसरा लक्षण ये होता है कि आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है एबॉर्शन के बाद, उसमें से काफी खराब स्मेल आ रही है, काफी फाउल स्मेल उसमें से आ रही है, तो आप समझ जाइए कि इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज ये है नोटिस करने वाली कि आपको जो एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। देखिए, नॉर्मल एब्डोमिनल क्रैम्प होना जाहिर सी बात है, आपको मेडिकल अबॉर्शन के बाद हल्का फुल्का दर्द रहता ही है, जो कि कॉमन है, लेकिन आपको दर्द असहनीय हो रहे हैं और काफी ज्यादा हो रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस चीज में आप समझ जाइए कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन के कई कारण होते हैं, या तो आपने गलत तरीके से मेडिसिन ली है, कोई पार्ट अंदर रह गया है, प्रेगनेंसी का मटेरियल अंदर रह गया है, तो उस केस में जो है इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, या फिर कई बार सर्जिकल अबॉर्शन डीएनसी के बाद अगर डीएनसी सही से ना हुई हो तो उस केस में भी आपके बच्चेदानी में घाव होना, इन्फेक्शन होना, इस तरह के लक्षण देखने को आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको तीन चार चीजें नोटिस करनी है। एक तो फीवर आपको काफी ज्यादा आएगा, दूसरा आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें से काफी खराब स्मेल आएगी, तीसरा आपको जो क्रैम्पिंग होगी वो काफी ज्यादा होंगी, जो कि आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन चार चीजें आपको नोट करनी है, और अगर ये चीजें आपको, इनमें से कोई भी साइन आपको दिख रहा है, तो जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और चेकअप करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए समय पे। एंटीबायोटिक हो गया, जो भी आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहे हैं वो लीजिए, ताकि आप इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है आपके, डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।